أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي थोड़ा सा आगे आ जाओ दोस्त जो पीछे बैठे हो थोड़ा सा आगे आ जाओ जी। आज का जो हमारा लेक्चर है इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पिछले दिनों टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे एक चीज़ हाईलाइट हुई कि एक मसलक के उलमा की जानिब से यजीद लईन के हक में नारे लगाए गए, नऊज़ुबिल्लाह यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु, नऊज़ुबिल्लाह इस तरह की बात की गई। तो कुछ मसलक के लोग हैं उनको अभी तक इस चीज़ पे शक है, उनकी पूरी कोशिश है किसी तरह यजीद को जन्नती साबित किया जाए, ठीक है। तो हालांकि वाकया करबला जैसा एक वाकया, एक सानिया ऐसा वाकया कि तारीख ने ना उससे पहले कभी देखा ना उसके बाद, उस वाक्य के बावजूद भी लोगों के दिल में अभी भी वहम है। इसलिए यजीद के दौरे हुकूमत का एक और वाक्य वो आज बयान करूँगा तुम लोगों के सामने कि जिससे मज़ीद उसके भयानक करतूत, यजीद लईन के भयानक करतूत वो आपकी समझ में आएंगे, उस बंदे की सोच क्या थी और वो उसने किस तरह के काम किए। हमारा अलमिया ये है कि हम लोगों को तारीख़ पढ़ाई जाती है, तारीख़ इस्लाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तक, उसके बाद क्या हुआ वो हम में से अक्सर के इल्म में नहीं होता। अब ये वाक़या जो आज बयान करने लगा हूँ, वाक़या हर्रा, ये आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो आज भी इस वाक़े की अहमियत इसीलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी भी यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। तो वाक़या हर्रा, वाक़या करबला के तकरीबन एक साल बाद पेश आया और ये वाक़या अहले मदीना के ख़िलाफ़, मदीना के जो लोग रहने वाले थे उनके ख़िलाफ़ यजीद ने लश्कर कशी की और एक लश्कर भेजा ताकि मदीने के लोगों को उनसे ज़बरदस्ती बैत ली जाए, मदीने के लोगों से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन और बेशक आप क़यामत तक के होने वाले वाक़यात से बाख़बर थे। एक मरतबा रिवायात में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से किसी सफ़र में जा रहे थे तो ये मकाम हर्रा जो है ये आज मस्जिद नबी से एक मील के फासले पे, जिस जगह पे आज मस्जिद नबी है उसे एक मील के फासले पे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे अपने साथियों के साथ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आपने ये कहा तो जो साथी थे, जो सहाबा इकराम थे, कुछ उनमें समझदार लोग परेशान हो गए कि हो सकता है कि इस सफ़र का अंजाम अच्छा ना हो, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो सहाबा इकराम आपस में डिस्कस करना शुरू हो गए कि क्या वजह है, तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक़ से कहा कि ऐ उमर आप दरियाफ़्त कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ा सरकार ने। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ आका इनामदार
आपने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है, कहीं इस सफ़र में परेशानी तो नहीं कोई? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर, सफ़र में परेशानी नहीं है, इंशाअल्लाह हम खैरियत से जाएंगे और खैरियत से वापस आएंगे, लेकिन ये जो जगह है, ये जो हर्रा का मकाम है, ये जो संगिस्तान है हर्रा का, सरकार ने फरमाया इस संगिस्तान में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग कत्ल किए जाएंगे, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग कत्ल किए जाएंगे। तो यजीद का एक इंतहाई काला कारनामा, उसने अहले मदीना के साथ लश्कर कशी की, अहले मदीना को तंग किया और मदीने के लोगों को सताने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद फरमाई। सरकार ने फरमाया, हदीस में है, कसरत से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अहले मदीना को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फिर दूसरी जगह आपने फरमाया, हज़रत जाबिर इस हदीस के रावी हैं, हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो अहले मदीना को जुल्म से डराएगा उसको अल्लाह डराएगा, यानी जो अहले मदीना जुल्म करेगा, अहले मदीना को खौफ दिलाएगा, डराएगा, अल्लाह उस शख्स पे खौफ मुसल्लत करेगा, उसको डराएगा और उस बंदे पे तमाम फरिश्तों की लानत होगी जो अहले मदीना को जुल्म करेगा। इतनी सख्त अहदीस इस बारे में, लेकिन अफसोसनाक वाकया, इंतहाई दिल खराश वाकया, वाकया करबला के एक साल बाद ये पेश आया और लम्हा फिक्रिया है, बड़ी गौर तलब बात है, तवज्जो चाहिए आपकी, कि जब आप किसी जालिम के खिलाफ खड़े नहीं होते। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा और मदीना छोड़ के आप कूफा की तरफ आपने सफ़र किया, तो सबके इलम में था कि यजीद जालिम है, बद किरदार है, लेकिन लोगों ने आंखें बंद कर ली, लोगों ने आंखें बंद कर ली और वक्त के इमाम का साथ नहीं दिया, वक्त के इमाम का साथ नहीं दिया। तो जब आप जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते तो एक दिन आता है कि जालिम और उसका जुल्म आपके दरवाजे तक पहुँच जाता है। वाकया हर्रा में ऐसा ही हुआ और मदीने के लोगों के साथ ये अंदोगुनार वाकया पेश आया। अहले मदीना के बारे में हदीस में एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईद इब्ने मुसय्यब इस हदीस के रावी हैं, वो रिवायत करते हैं किसी सनद के साथ ये हदीस, सईद इब्ने मुसय्यब वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, जो अहले मदीना से बुराई का इरादा करे, जो अहले मदीना से बुराई का इरादा करे, ऐ अल्लाह तू उसे जल्दी हलाक करना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और जब ये वाकया आप सुनेंगे तो ये दुआ आपने याद रखनी है कि क्या हुआ। तो ये वाकया हर्रा तारीख की किताबों में कसरत से नकल है। इस वाक्य को इब्ने जौजी ने रिवायत किया, वाकिदी ने रिवायत किया, इमाम तिब्रानी ने और इमाम कुर्तुबी ने अपनी अपनी कुतुब में इस वाक्य को लिखा। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी एक आधे बंदे ने अपनी किताब में लिखी, कसरत से ये वाक्य रिवायत हुआ। तो वाक्य इस तरह से है कि इमाम इब्ने जौजी फरमाते हैं कि जब वाकया करबला हो गया, करबला का वाकया हो गया, तो उसके बाद जब पाक बीवियां शाम से मदीना वापस आईं और उन्होंने सारा हाल सुनाया करबला का, तो करबला में जो कुछ हुआ वो जब बयान किया गया तो अहले मदीना में एक गम और गुस्सा फैल गया। क्या फैल गया? गम और गुस्सा फैल गया। तो लोगों में यजीद के खिलाफ बगावत के जज्बात थे। उस वक्त दूसरी तरफ मक्का में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
उन्होंने बगावत कर दी यजीद के खिलाफ और उन्होंने बैत लेना शुरू कर दी। लोगों से कहा कि मेरे हाथ पे बैत करो कि यजीद के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ऐसे ये इको ऑन की वजह से बंद कर दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर मक्का में थे, यजीद के लिए वो एक चैलेंज था। दूसरी तरफ मदीना के लोग इमाम अली मकाम का जो वाक़या हुआ उसके बाद से बहुत गम और गुस्सा था उनके अंदर। उस वक्त यजीद ने उसने क्या किया, उसने अपने चचाजाद भाई उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान उसको भेजा कि मदीने जाओ और जो मदीने के शुरफा हैं, जो मोजज़ लोग हैं, उनको दावत पे शाम लेके आओ, दमिश्क लेके आओ। तो ये उस्मान गया मदीने और इसने अहले मदीना को पैगाम दिया और सबको दमिश्क लेके आया। वहाँ यजीद ने इनको बैत की दावत दी और सबको उसने लालच दिया, किसी को पैसे दिए। तो किताबों में लिखा है कि एक अहले मदीना के शुरफा में से थे हज़रत मुंज़र, उनको एक लाख उस वक्त के जो दिनार थे वो रिश्वत दी गई, तुम सबको मेरे साथ मिलाओ और अहले मदीना जो है किसी तरह वो अताअत पे राज़ी हो जाए, अहले मदीना जो है वो अताअत पे राज़ी हो जाए किसी तरह। तो ये मदीने के शुरफा ये सब के सब लोग वहाँ पे गए दमिश्क में और जो उन्होंने हालात देखे हालात देखने के बाद सब के सब यजीद से बदजन हो गए। यजीद ने पैसे दिए, यजीद ने उहदों का लालच दिया, सब कुछ किया उसने, लेकिन मदीने के ये शुरफा ये वो लोग थे, इनमें से कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखा, इनमें से कुछ लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना देखा, उमर फ़ारूक का, खुलफ़ा राशिदीन का ज़माना देखा हुआ था। और उस हालात में जब इन्होंने यजीद के तौर तरीके देखे तो ये सब के सब उल्टा बदजन हो गए, उल्टा सब के सब बदजन हो गए। जब ये लोग वापस मदीना आए, तो अहले मदीना का एक इकट्ठ हुआ। अहले मदीना का क्या हुआ? इकट्ठ हुआ, अहले मदीना के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पूछा इन सब से कि आप लोग यजीद का जो दरबार है वो देख के आए हैं, वहाँ का कुछ अहवाल सुनाए, तो हज़रत मुंज़र बोले इसी तरह जो बाकी बुज़ुर्ग थे वो बोले, उन्होंने कहा कि बाखुदा यजीद एक बेदीन शारिब खुमर फासिक इंसान है, उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कुत्ते पालना है, शिकारी कुत्ते रखने का उसको शौक़ है और शराब के नशे में धुत रहता है, तो उन्होंने कहा कि वल्ला हम ऐसे शख्स की बैत नहीं करेंगे, हज़रत मंज़र ने बयान फरमाया, आपने कहा कि मुझे 1 लाख दिरहम यजीद ने दिए लेकिन मैं उसके पैसों पर भी लानत भेजता हूँ, मैं ऐसे शख्स की बैत कभी नहीं करूँगा क्योंकि बेशक वो शख्स तारिकुस्सलात यानी नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है। आपने फरमाया आप ऐसे शख्स की बैत नहीं करेंगे। अहले मदीना ने जब ये बातें सुनी और जो जो बंदा गया था वहाँ पे यजीद के दरबार में उसने यजीद की बैत तोड़ने का ऐलान किया, किसी ने अपनी दस्तार उठा के फेंक दी, मस्जिद नबी में ये कट हुआ, किसी ने अपनी दस्तार उठा के फेंक दी, किसी ने अपनी जूते फेंक दिए, उसने कहा जी मैंने बैत तोड़ी यजीद की, सब ने अलग ऐलान बैत तोड़ी और एक गम गुस्सा वो पैदा हो गया यजीद के खिलाफ। तो उस वक्त जो मदीने के लोग थे उन्होंने उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान जो यजीद के चचा के बेटा था उसको इन्होंने मदीना बदर कर दिया, मदीने से निकाल दिया उसको, इन्होंने
मदीने से निकाल दिया, और कुछ यजीद के रिश्तेदार थे आले अबी सुफियान जो मदीने में रहते थे उनको कैद कर लिया। तो जब ये शख्स उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान जब ये वापस यजीद के पास पहुंचा और इसने जाके वो सब हालात बयान किए, इसने कहा जी अहले मदीना ख़िलाफ़ है, उनका कुछ फौरी हल किया जाए, उनका फौरी कुछ ना कुछ हल किया जाए। तो उस वक्त यजीद ने अपने ख़ास मसाहिब इब्न मरजाना को बुलाया और यजीद ने उसे कहा एक लश्कर तैयार करो जो अहले मदीना के खिलाफ जंग लड़े। तो इब्न मरजाना जो था वो थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि मैं इस बंदे के पीछे लग के, इसने पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया, अब ये अहले मदीना के कत्ल पे आमादा हो गया, नहीं करूँगा। उसने टाल मटोल की। तो फिर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा उसको बुलाया, एक बूढ़ा शख्स था, इंतहाई जालिम, एक जालिम बूढ़ा था मुस्लिम बिन उकबा, उसको बुलाया और उसे कहा कि क्या तुम तैयार हो अहले मदीना के कत्ल पे, उनके खिलाफ जंग लड़ने के लश्कर तैयार करो। साथ यजीद ने लालच दिया कि जो बंदा इस लश्कर में शामिल होगा उसको 100 दिनार हर बंदे को दिया जाएगा, जो एक तनख्वाह होती है और जो लश्कर के खर्चे हैं, जा रहे घोड़े लेके जा रहे हैं, तलवारें, उस सामान के खर्च के अलावा 100 दिनार सबको दिया जाएगा। तो देखते ही देखते पैसों का लालच भी है, हुकूमत वक्त भी साथ है, 12,000 का लश्कर तैयार हो गया और अहले मदीना के ख़िलाफ़ जंग लड़ने की नीयत से वो लोग दमिश्क से निकले। यजीद ने उसे बुलाया मुस्लिम बिन उकबा को, उसने कहा कि नए मुस्लिम 3 दिन उनको दावत देना मेरी बैत की, और बैत ऐसी नहीं जैसे अबू बकर उमर उस्मान अली लेते थे, खुलफाए राशिदीन की बैत और थी, वो बैत लेते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात पर। यजीद की बैत थी, यजीद कहता था कि मेरी अतात पर बैत करो, मैं अच्छे काम का हुक्म दूँ अच्छा काम करो, मैं गलत काम को हुक्म दूँ वो भी करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बैत और वो बैत फ़र्क थी। अहले मदीना जो थे जिन्होंने खुलफा राशिदीन की बैत की हुई थी वो तो तैयार नहीं थे इस बैत करने पे। वो कहते थे ये कौन सी बैत है जिसमें ना अल्लाह का जिक्र है ना अल्लाह के रसूल का जिक्र है, वो कहते थे ये बैत हम नहीं मानते। तो उसने यजीद ने मुस्लिम को बुलाया और यजीद ने कहा क्या मुस्लिम 3 दिन उनको दावत देना, 3 दिन उनको दावत देना बैत की, अगर वो ना माने, मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो अहले मदीना के खिलाफ जंग शुरू कर देना, और जब जंग हो जाए तो उसके बाद 3 दिन तक अहले मदीना का माल इसबाब तुम पर हलाल है, अहले 3 दिन तक मेरी तरफ से मदीना हरम नहीं है, क्योंकि आपके इलम में मक्का और मदीना हरम है और हरम में कत्ल वगारत और ऐसा काम करना गुनाह है, जायज़ नहीं है। उसने कहा जी मैं अमीरुल मोमिनून हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, लिहाजा मैं ये इजाज़त दे सकता हूँ कि हरम में किताल हो। तो 12,000 का लश्कर दमिश्क से शाम से चला मदीने की तरफ। तो अहले मदीना जो थे उनके ये इल्म में बात आई तो उन्होंने फैसला किया मदीने के लोगों ने कि हमने लड़ना, हमने लड़ना। मदीने के लोग तैयार हुए और उन्होंने गज़वा खंदक की तर्ज पे एक खंदक तैयार की। खंदक क्या होता है? ट्रेंच, अंग्रेज़ी में कहते हैं ट्रेंच। तो वो ऐसी एक खाई आप कह लें कि जिससे बंदा क्रॉस ना कर सके, एक घोड़ा घोड़े पे सवार होकर जंप ना कर सके, इतनी गहरी इंसान के कद से ऊंची गहराई उसकी और लंबाई इतनी कि कोई इंसान उसको क्रॉस ना कर सके। तो उन्होंने गज़वा खंदक की याद में मदीने के इर्द गिर्द वो खंदक खोदी। जब मुस्लिम बिन उकबा पहुंचा वहाँ पे तो सामने खंदक थी, वो क्रॉस नहीं कर सकता था, तो एक टीले पे बैठ के देखता था, बड़ी कोशिश की कोई हल नहीं निकल रहा था। फिर बाज़ लोग हर ज़माने में मौजूद होते हैं जो पैसे पे बिक जाते हैं,
तो उसने मुस्लिम बिन उकबा ने मरवान से कहा कि मरवान इसका को हल निकालो, अगर अहले मदीना से लड़ाई ना हुई तो यजीद अमीरुल मोमिनीन नाराज़ हो जाएगा। तो मरवान बड़ा शातिर आदमी था, उसने देखा कि कई कबीला है बनी हारसा का, वो मदीने में रहता है, तो वो उनके बागात थे और उस तरफ वो जो खंदक थी नहीं खोदी गई थी, क्योंकि अहले मदीना को था कि उस तरफ से कौन आएगा, बागात है वहाँ से लश्कर नहीं आ सकता, पहाड़ी इलाका है। तो मरवान ने बनी हारिस को पैसे दिए, माल दिया, सब कुछ दिया, उसने कहा जी लश्कर गुजर से गुजरवा दो। तो बनी हारसा बिक गए और उन्होंने मुस्लिम बिन उकबा और उनकी फ़ौजों को रास्ता दे दिया अंदर जाने का। लड़ाई हुई, बड़ी शदीद लड़ाई हुई, किताल हुआ और बे इंतहा मुसलमानों का खून ज़ाया हुआ। तारीख़ की तमाम किताबों में ज़िक्र है इस वाक़े का, और मैं उन लोगों की इब्तदात बता रहा हूँ जो शहीद हुए मदीने में, जिनका खून बहा उस वक्त। तो महाजरीन और इंसार, सहाबा इकराम की बात हो रही है, महाजरीन और इंसार में से 1700 के करीब लोग शहीद हुए मदीने में, 700 हाफिज़े कुरान, 700 हाफिज़े कुरान आज वाले नहीं, आज तो हर महल्ले में हाफिज़े कुरान, मदरसे हाफिज़े कुरान पैदा कर रहे हैं। उस वक्त कुरान हिफ्ज़ करना बहुत मुश्किल काम था, कि जब कुरान खजूर के पत्तों पे लिखा हुआ था, खजूर की शाखों पे, बकरी की खाल पे कुरान लिखा जाता था, उस वक्त तो कोई कोई हाफिज़े कुरान होता था। तो उस वक्त के 700 हाफिज़े कुरान उनको शहीद किया गया। 97 ऐसे लोग जो कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के 97 लोग वो शहीद हुए इस वाक़या हर्रा में, और उसके अलावा 10,000 के करीब अवामुन्नास, मदीने के जो अवाम थी, जो अंसार थे, जो मदीने के इर्द गिर्द रहने वाले थे, 10,000 के करीब वो लोग जिनका खून मदीने की गलियों में बहा, 10,000 के करीब लोग। तो जब ये शहादतें हो गई तो उस वक्त कैफियत ये हो गई कि मदीने में मर्द नहीं था कोई, बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। तो उसने मुस्लिम बिन उकबा ने अपने लश्कर वालों को कहा कि अमीरुल मोमिनीन यजीद ने, अल्लाह उस पर लानत करे, उसने इजाज़त दे दी है कि 3 दिन मदीना हमारे ऊपर हलाल है, 3 दिन मदीना हमारे पे हलाल है, लिहाजा जिस किसी का चाहे जो माल लूटना लूटे, और औरतें भी सब हलाल हैं। तो रिवायात में है कि मदीना में औरतों के साथ इस कदर जिना हुआ और बदकारी की गई कि इस वाक़े के बाद 1,000 वल्दु जिना बच्चे पैदा हुए, 1,000 वल्दु जिना बच्चे पैदा हुए। और मदीना इस कदर वीरान हो गया कि वाकदी लिखते हैं कि मस्जिद नबी में कुत्तों ने डेरे डाल लिए, आवारा कुत्ते, कोई निकालने वाला नहीं था उनको, आवारा कुत्ते मस्जिद नबी में। और शामियों ने, उन्होंने क्या किया कि घोड़े मस्जिद नबी में, जिन जो लोग मस्जिद नबी गए हुए हैं, रियाजुल जन्ना, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रोज़े और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। इस जगह पे शामियों ने घोड़े बांधे, इस जगह पे शामियों ने घोड़े बांधे यजीदियों ने, और घोड़ों का पेशाब और लिद वो उस जगह पे पड़ी रही। इस हद तक बेहरमती हुई, 3 दिन तक मस्जिद नबी में नमाज और जमात, बल्कि 3 दिन से भी ज़ायद अरसा, कुछ लोगों ने लिखा है कि नमाज नहीं हुई, जमात नहीं हुई। तो उस वक्त एक बहुत जलीलुल कदर ताबई, साहबी नहीं है, इनका जो मकाम है वो ताबईन में आता है। ताबईन कौन है? ताबईन वो लोग हैं जो, जिनका मकाम सहाबा के बाद है, जिनको सहाबा इकराम की सोबत हासिल है। तो ताबईन में बुजुर्गों ने और उलमा ने
अगर किसी को अफजल मानना है कुछ लोगों को, उनमें सईद इब्ने मुसय्यब, इनको सैयद ताबईन कहा जाता है, ताबईन में बहुत बुलंद मुकाम है इल्म के हवाले से, तकवा के हवाले से। हदीस के जो तालिब इल्म हैं, आप अगर हदीस को पढ़ें तो अक्सर हदीस की जो सनद है उसमें इनका जिक्र रहता है, फिका के हवाले से बड़ी अहम हस्ती हैं। तो ये आप फरमाते हैं सईद इब्ने मुसय्यब के वाकया हर्रा के वक्त ये बूढ़े थे और इनको पकड़ के मुस्लिम बिन उकबा के सामने पेश किया गया। तो मुस्लिम बिन उकबा ने तो कहा था कि जो मर्द है उसका सर उतार दो। तो जब इनका सर कलम करने लगे तो कोई बंदा खड़ा हो गया मजमे में से, उसने कहा जी इसको छोड़ दो, ये दीवाना है, पागल है, ये क्या है, दीवाना है, पागल है, इसको तुमने क्यों कत्ल करना है। इस तरह उनकी जान बख्शी गई। और आप फरमाते हैं कि 3 दिन फिर मैं मस्जिद नबी में रहा, और सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं, तारीख़ मदीना एक किताब है उसमें ये बात लिखी है, क्या फरमाते हैं कि 3 दिन जब जमात नहीं हुई मस्जिद में, ना अजान हुई है, तो मैं रोज़ा रसूल से अजान की आवाज़ भी सुनता रहा और इकामत की आवाज़ भी सुनता रहा, और उसी अजान और इकामत के साथ मैं नमाज अदा करता रहा 3 दिन। तो बड़े दिल खराश वाकयात उस वक्त हुए, दिल दहला देने वाले। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, तो वो वाक़ हर्रा के बाद एक दिन मस्जिद नबी में बयान फरमा रहे थे। तो आपकी दाढ़ी जो है वो एक साइड से उखड़ी हुई थी, दूसरी साइड पर दाढ़ी मौजूद थी, एक साइड से दाढ़ी उखड़ी हुई थी। एक नया नया आपके पास शख्स इल्म हासिल करने के लिए आता था, उसने पूछा कि ऐ अबू सईद आपकी दाढ़ी एक साइड से ऐसे क्यों है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आलम दीन थे, उन्होंने फरमाया कि वाकया हर्रा जब हुआ तब शामी मेरे घर घुस आए और उन्होंने मेरे घर का माल और असबाब लूटा। तो आपने फरमाया एक ग्रोह शामियों का जब वो माल असबाब लूट के चला गया तो उसके बाद घर खाली हो गया, फिर एक दूसरा ग्रोह आया, उन्होंने जब घर की छानबीन की तो घर में कुछ नहीं था, तो गुस्से में आ गए, उन्होंने मेरी दाढ़ी खींची और उससे दाढ़ी के बाल उखड़ गए, और बूढ़ी मतलब बूढ़े शख्स थे और उस उम्र में दोबारा बाल उनके नहीं हुए। तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ जो नबी के कदमों में बैठी रहीं, उनका इन यजीदियों ने ये अशर किया। अगर दीन से कोई ताल्लुक़ होता, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई प्यार होता तो इस तरह के काम ना करते। और कई लोग जो यजीद के दिफा में हाथ से गुजर जाते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी यजीद तो शाम में बैठा हुआ था, उसे तो पता नहीं था। और यहाँ वाज़े मुर्रखीन ने लिखा है कि ये यजीद ने हुक्म दिया कि 3 दिन के लिए मदीना हलाल है, सब का सब माल असबाब हलाल है। तो वरना सोचिए कि कोई शख्स जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है, वो सोचेगा भी नहीं मदीना के ख़िलाफ़ जंग करने का, अहले मदीना के ख़िलाफ़। तो आप लोग जाते हो माशाल्लाह मदीने जाते हो, मक्का जाते हो, तो डरते हो कि यार वहाँ के किसी मदीने के शख्स का दिल ना दुख जाए, कोई हम ऐसी बात ना करें कि उसका दिल दुख जाए, मक्के के किसी बंदे का दिल ना दुख जाए। तो ये डर क्यों है? इसलिए है कि आपके दिल में ईमान की शमा रोशन है, आपके दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। आज 1400 साल बाद भी अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके दिल में उस शहर की उन लोगों की मोहब्बत है। तो सोचिए जिन लोगों ने ये कत्ल किया मदीने में, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का कत्ल किया, तो उनके ईमान को क्या कहा जाए। अफसोस है उन लोगों पे। आजकल मैंने खुद सुना है यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु, यजीद अमीर अल मोमिनीन के नारे लगे हैं, TV पर दिखाया गया ये, ठीक है। अफसोस है उन उलमा पे, उनके इलम पे अफसोस है कि जिनको तारीख नहीं पता, कम अज़ कम पहले तारीख पढ़ लो और समझ से बाहर है क्यों इतना हद से गुजर जाते हैं यजीद का दिफा करने के लिए। करबला के वाक़े में ये लोग कहते हैं यजीद को नहीं पता था, ठीक है।
उसके अनजाने में हो गया वाकया। हालांकि तब भी उसके अहकामात वाज़े किताबों में लिखे। यजीद ने कहा कि हर सूरत हाल में इमाम अली मकाम से बैत लेनी है, जैसे कि करबला वाले लेक्चर में भी बयान हुआ कि एक गवर्नर नुमान बिन मशीर इराक़ का गवर्नर था, नज़म दिल था। यजीद ने देखा कि ये बंदा सख्ती नहीं करेगा, उसने गवर्नर बदल दिया इब्ने ज़ियाद जो सख्ती कर सके। तो अहले मदीना के ये वाक़या इसलिए तुम लोगों के सामने बयान किया कि उसके काले करतूत बेनकाब हों, कि करबला के अलावा भी बहुत कुछ किया उसने। तो खैर, जब ये वाक़या हुआ और शामी जो लश्कर था मदीना में कत्ल व गारत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को वीरान करके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को वीरान करके जब वो मक्का की तरफ गया, तो क्योंकि यजीद वलीद का हुक्म था कि मदीने के बाद तुमने मक्का जाना है, वहाँ पे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने उनके ख़िलाफ़ जंग करनी है। तो ये शख्स जब कत्ल व गारत करके निकला तो 3 दिन बाद ये रास्ते में मर गया। क्यों मर गया? हदीस साहब को मैंने लेक्चर के शुरू में सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह जो अहले मदीना से बुराई का इरादा करे, ऐ अल्लाह तू उसे जल्दी अलग कर, ऐ अल्लाह तू उसे जल्दी अलग कर। तो यजीद की वसीयत थी कि उसको पता था बूढ़ा आदमी है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। उसने फिर कहा था कि अगर कोई वाकया ऐसा पेश आ जाए तो हसीन बिन नुमैर सकूनी, उसको तुमने लश्कर की कमान दे देनी है, और उसको भी कह देना है कि सख्ती करे आले मक्का पे, मदीना मक्का जहाँ जाए वहाँ सख्ती करे। तो वो शामियों को लश्कर मदीने से मक्का की तरफ गया। हसीन बिन नुमैर, उसके पास लश्कर की क़यादत थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उस वक्त मक्का में थे और आपके साथ आपके जो साथी थे वो मौजूद थे। तो इन्होंने क्या किया, मक्का का फिर जाके मुहासरा किया। मक्का का क्या किया, मुहासरा, खाने पीने की सप्लाईज़, आना जाना सब बंद कर दिया। तो उसने हसीन बिन नुमैर बदबख्त, उसने फिर क्या उस टेक्निक निकाली, उसने कहा जी कि मंजनीक लेके उससे मक्का पे पत्थरों का बरसाव किया जाए, पत्थर बरसाए जाए। मंजनीक आपके इल्म में है, पुराने वक्तों में एक लकड़ी का या कुछ इस तरह से होता था, उस पर पत्थर एक तरफ से रखे जाते थे आग सुलगा के आग में, और वो फिर उसको खींचते थे तो ऐसे बड़ी ज़ोर से वो बुलंदी की तरफ जाके पत्थर शहर में बरसते थे। तो जब मुहासरा किया जाता था किसी शहर का, तो वो उस शहर में जैसे आजकल बमबारी होती है, इस तरह का कुछ करने के लिए उस वक्त ये आला मौजूद था, उसको मंजनीक कहते थे। अंग्रेज़ी में जो लोग पुरानी वॉर हिस्ट्री से वाकफियत रखते हैं, ट्रेबूशेट, ट्रेबूशेट इसे बोलते हैं। तो ये पुराने वक्तों में जंगों में हुआ करती थी। उसने मक्का के घरों में पत्थर बरसाए, उस शहर में पत्थर बरसाए जिसके बारे में कहा गया कि वहाँ की एक नमाज बाकी तमाम दुनिया की 1,00,000 नमाजों के बराबर है। जहाँ खुदा का घर, तो बादशाहत में इंसान अंधा हो जाता है, अपने इक्तदार की हवस में लालच इंसान को अंधा बना देती है। तो जब मुआसरा हुआ, जंग हुई, खून रेजी हुई, उस वक्त इसी तरह ही एक आग में सुलगा हुआ पत्थर जब फेंका तो वो काबातुल्लाह के साथ जाके लगा, और उसकी वजह से काबे के गुलाब को आग लग गई, उसकी वजह से काबे के गुलाब को आग लग गई। इधर आग लगी काबे के गुलाब को, उधर से खबर आ गई कि यजीद पलीद ज़ातुल जुनब उस मर्ज की वजह से मर गया। इधर काबे को आग लगी, उधर पैगाम आ गया कि यजीद अपने अंजाम को पहुंच गया। तो यजीद, यजीदियत और हुसैनियत, मौला अली और अमीर मुआविया का जो इख्तलाफ है, तवज्जो तलबात है, बड़ा एक अहम नुक्ता बयान कर रहा हूँ।
ये ऐसे वाक़यात क्यों पेश आए यजीद के दौर में, अमीर मुआविया के दौर में, और इन दो अदवार का फ़र्क क्या है खिलाफत राशिदा के साथ? तो बड़ी गौरतलब बात है कि जो खिलाफत राशिदा थी हज़रत अबू बकर, उस्मान, उमर, अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इनके दौर जो थे उसमें डेमोक्रेसी थी, चुनाव होता था, मजलिस शूरा चुनाव करती थी कि इन लोगों में से कौन सा शख्स मौजू है, कौन सा शख्स मौजू है इस्लामिया को मचलाने के लिए। तो जब एक शख्स को कुछ लोग चुनते हैं, वो चुनाव से आता है, उसके दिल में फिर एहसास होता है, वो कुछ करना भी चाहता है और वो लोगों का दर्द भी उसके दिल में होता है। लेकिन जब आप गासबियत गासिब बन के आते हैं, इक्तदार छीन के आते हैं, जैसे अमीर मुआविया जंग करके आए और उन्होंने इक्तदार छीना मौला अली से, इमाम हसन से, और यजीद जैसे इक्तदार में आया तो यजीद का अपना तो कोई वो नहीं था, कोई उसकी काबिलियत नहीं थी, सिर्फ इस बेस पे कि उसका बाप खलीफा था, उसने नामज़द कर दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद होगा। उससे पहले ये कभी नहीं हुआ, किसी खुलफा राशिदीन ने अपनी औलाद को खिलाफत नहीं दी, अपने बाद उन्होंने कहा कि चुनाव के तहत होगा डेमोक्रेसी। तो जब बादशाहत होती है उस वक़्त इंसान अपनी कुर्सी बचाने के लालच में, अपनी बादशाहत के लालच में वो नहीं देखता कि आगे अल्लाह के नबी का बेटा खड़ा है या मदीना शहर है या मक्का शहर है। तो ये इक्तदार की लालच हवस ये इंसान से सब कुछ करवाती है। अल्लाह ताला हम सब को इस लालच और इस हवस से महफूज रखें और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और हम सबको गुमराहियों से बचाएं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।